रैखिक असमीकरण वाला पाठ आपका चल रहा था, इसमें एक्स का मान ढूंढना। तो इधर का भाग इधर का भाग इधर, इधर तो ऐसे में लो सिंपल सवाल हो जाए। तो मतलब अगर हम इनइक्वलिटी ना देखें, ऐसे ना देखें, असमीकरण को ना देखें, तो हम सीधे सीधे इसमें एक्स अपॉन टू लिख के इसका एलसीएम ले ब्रैकेट लगा देना। कितना आ जाएगा? 15 3 5 15 5 5 15 3 7 एक्स बटे दो ये कितना आ गया 25 एक्स माइनस 10 माइनस एक्स बटे कम से कम एक बटा लिया ना इसका भी, ये आ गया 4x माइनस 1 बटे। कोई दिक्कत है? दोनों तरफ किससे गुणा करते भैया? उनके बटे का हिसाब करना है। दोनों तरफ किससे गुणा करते? 15 से करोगे तो दूसरे नहीं कटेगा,
अरे 11 के बच्चे 30 से निकल सकते हैं, दोनों साथ 30 से गुणा कर लेते हैं, सही बात है, 30 से गुणा कर लो, 30 गुणा एक्स बटे दो, ये 15 बार कट गया और 15 दूनी 30 ब्रैकेट में जोड़ लिया, पूरे कितना आ गया 15x और ये 4 दूनी 8x माइनस, दोनों तरफ माइनस 8 मतलब घटा दो, 8 को दोनों तरफ घटा लेते हैं, ये लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से 8 घटाने पर, दोनों तरफ 30 से गुणा करने पर, दोनों ओर ये करने पर, ठीक है, वो आप कर लेना, कितना आ जाए, अब क्या करें, 700 कर दो, जैसे जैसे अकेला करते जा रहा हो इसे वैसे वैसे ये मान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, अकेले पढ़ो तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपसे मान की तरफ चाहता है, ठीक है, तो एक्स निकल आया माइनस 2/7 से बढ़ा बराबर बन जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग टू आपको 2/7 छोटा हो गया ना, तो माइनस 2/7 से कहां तक जाएगी कहां नहीं, प्लस के अंदर तक, अनंत किसी के बराबर होता नहीं, और ये बराबर का निशान लग रहा है इसलिए किलो बताया था मुझे, बराबर होता है तो किलो लगाते हैं, वो बराबर नहीं होता है उससे बड़ा होता है तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ तक अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, अभी समस्या दिखती नहीं, 0 -1 -2 1 2 3 4 तो -2/7 किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, बीच में होगा कितना 1/2 यानी 0.5 और ये कितना होगा 7/2 को भाग करोगे 7 × 14 0.2 तो इसका मतलब कि इधर होगा, मतलब इतना आइडिया लेना है बस आपको, अब तुम ये यहाँ लगा दोगे तो चेक करने वाले समझ जाएंगे क्योंकि तुम्हें इतना आइडिया कि -5 से छोटा है और तुम इधर ले जा रहे हो, है ना, इसके आगे पहुंचोगे तो -5 से छोटा छोटा हो जाएगा ना, -6 -7 -8 -9 तो ये है 0.2 के आसपास, तो ये यहाँ रहेगा -2/7 अब ये क्योंकि बराबर है इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दो यहाँ पर, कर दिया, और ये बड़ा है -2/7 से तो इसको डार्क कर दो, पैमाने से थोड़ा गाढ़ा कर दो बस, हो गया सॉल्यूशन, ये सारे मान जहाँ जहाँ पे ये डार्क हो रहा है ये सब जो है इसका हल, ठीक है, कितने हल हो गए, किनों में कितने हले कितने हैं, 5 अनंत, ठीक है, अब कर लोगे सवाल सारे 20 तक के सवाल, आपको खाली x के मान ही निकालने और x एक वास्तविक संख्या है, खाली हल बताना है, जैसे 16 बता देता हूँ, चलो कह रहे x के वास्तविक मान के लिए संख्या रेखा पर डालने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, खाली वास्तविक मानों के लिए हल करने के लिए कह रहा है, पहुंच रहा वहां तक, ये शायद सबसे टिपिकल सवाल है, देखो सवाल उतारने में तो कोई गलती नहीं है, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ देखो कितना छोटा सा रह गया, 15 + 19 -18 दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं 60 से,
आएगा हमारा बिजली 40 है माइनस 20 दोनों तरफ से क्या करें 40 घंटा आइए बताइए बंद हो रहा है उस तक एक्स की तरफ तो एक्स का मान 2 से छोटा है तो हल्की में आ गया इसका एक्स बिलोंग टू माइनस अनंत से 2 ठीक है।